हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड सेवन्थ सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेसन नंबर 11, कंटूर मैप्स एंड लैंडफॉर्म्स, पार्ट टू। देन अ मॉडल ऑफ द रिलीफ इज एन एरिया इज शोन इन फिगर 11.1A given above. Observe it carefully and answer the following questions. मतलब यहाँ पे हमें 11.1 ये फिगर दी है, आकृति है, और इसमें भूपृष्ठ की प्रतिकृति दिखाई गई है और उसका ध्यानपूर्वक आपको निरीक्षण करना है और नीचे दिए क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंडफॉर्म्स डू यू ऑब्जर्व इन द मॉडल। मतलब इस प्रतिकृति में कौन कौन से भूरूप दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, विच कलर्स हैव बीन यूज ऑन देम। ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर 11.1B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, विच कलर्स हैव बीन यूज ऑन देम। मतलब प्रत्येक ग्रुप के लिए किन रंगों का उपयोग किया गया है। अभी आपको 11.1B यानी ये जो 11.1B ये फिगर दी है, इसका ऑब्जर्वेशन करना है और क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डू यू सी इन द मैप। मतलब मानचित्र में, मतलब मैप में क्या क्या दिखाई देता है। व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ द रेंजेस शोन इन द मैप। मतलब मैप में दिखाई देने वाली पर्वत श्रृंखलाओं की सामान्यतः दिशा कैसी होगी। नेक्स्ट है, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज द फ्लैट लैंड लोकेटेड इन द मैप। मतलब मैप की किस दिशा में समतल प्रदेश है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द लाइंस इन द मैप। मतलब मैप की रेखाओं का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना है। व्हाट डू दिस वैल्यू इंडिकेट। मतलब ये मूल्य क्या दर्शाते होंगे। नेक्स्ट डे, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज इन द मैप एंड द मॉडल इन फिगर 11.1A। मतलब इस मैप में तुमने पहले देखी हुई प्रतिकृति में कुछ समानता है, यदि है तो वह कौन सी है। व्हाट आर दोज। विच फिगर गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब कौन सी आकृति अधिक जानकारी देती है और वह जानकारी कौन सी है। और नेक्स्ट है, इज देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस मैप एंड अ स्केच मैप ऑफ द पोटैटो हिल। तुम्हारा तैयार किया हुआ आलू पर्वत का ढांचा और इस मैप में क्या कुछ समानता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए है। नेक्स्ट है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मतलब भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया है। व्हाइल स्टडिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वन हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेरियस फेसेट्स ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक अल्टीट्यूड, रिलीफ स्लोप, डायरेक्शन ऑफ स्लोप एंड रेंज। मतलब भूपृष्ठ के विविध भूरूपों का अध्ययन करते समय इन भूरूपों की समुद्र सतह से ऊंचाई, ऊंचा निचला क्षेत्र, ढलान, ढलान की दिशा, उसके ऊपर जाने वाले जल प्रवाह का अध्ययन करना पड़ता है। फॉर दिस मैप प्रिपेयर्ड यूजिंग पर्टिकुलर मेथड आर यूज, दिस आर नोन एज कंटोर मैप्स। दिस मैप हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स। दिस मैप आर ऑफ इमेंस यूज टू माउंटेनर्स, ट्रेकर्स, सोल्जर्स, डिफेंस ऑफिसर्स एक्सेट्रा। दिस मैप प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट यूज इन द प्लानिंग फॉर अ रीजन टू। मतलब देखो, इसके लिए विशेष प्रकार से बनाए गए मैप का उपयोग किया जाता है और
ये मैप अर्थात समोच्चता दर्शक मैप है, और इन मैप द्वारा हम भूरूपों की उपयुक्त विशेषताएं समझ पाते हैं। और पर्यटक पर्वतारोही घुमक्कड़ी करने वाले रक्षा विभाग के अधिकारी और सैनिक आदि के लिए या किसी भी प्रदेश का नियोजन करते समय इन मैप का उपयोग बहुत उपयोग होता है। नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हेन वन सीज अ लैंडफॉर्म ऑन अ कंटूर मैप, व्हाट इज द ऑब्जर्वर्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द लैंडफॉर्म। मतलब तुम किसी भूरूपों को समुच्च रेखाओं के आधार पर देखते हो, तब उस भूरूप को तुम कहाँ से देखते। फॉर एग्जाम्पल, अ हिल इज शोन विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स ऑन अ मैप, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक यू आर लुकिंग एट इट। मतलब जैसे मैप में समुच्च रेखा की सहायता से एक टीला दिया दिखाया गया, तो इस टीले की ओर तुम कहाँ से देख रहे हो। ओके नेक्स्ट, अ 3D मॉडल इज गिवन इन फिगर 11.3A। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मॉडल शोज द बेसिन ऑफ द मॉडल शोज इन बेसिन ऑफ द रिवर मौला मुला मुठा। टू इट्स साउथ इज द कात्रज दिवेघाट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। बियॉन्ड दैट सम पोर्शन ऑफ कर्रा बेसिन इन सीन। मतलब फिगर 11.3A में एक प्रतिकृति दी गई है, और प्रतिकृति में उत्तरी भाग मुलामुठा नदियों की घाटी का भाग है, और इसके पश्चात कात्रज दिवे घाट यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई दिखाई देती है, और उस पार कर्रा नदी की घाटी का कुछ हिस्सा भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ओके आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।